खाद और उर्वरक की बात करें तो साधारणतया घृत कुमारी को कम उपजाऊ जमीन में भी लगा सकते हैं, क्योंकि कम खाद और उर्वरक से भी अच्छा उत्पादन हो सकता है। लेकिन अच्छी उपज के लिए खेत को तैयार करते समय 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। इससे उत्पादन ज्यादा होती है। गोबर की खाद का इस्तेमाल करने से पौधे की बढ़वार तेजी से होती है और किसान एक वर्ष में एक से अधिक कटाई कर सकते हैं। एलोवेरा की अधिक उत्पादन के लिए उसकी क्रांतिक अवस्था में सिंचाई करना काफी लाभप्रद होता है। पहली सिंचाई पौध लगाने के बाद तथा दूसरी और तीसरी सिंचाई आवश्यकता अनुसार करनी चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक कटाई के बाद एक सिंचाई देना लाभदायक होता है। घृतकुमारी में कीट और रोगों का प्रकोप नहीं के बराबर होता है। पहाड़ी क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप हो सकता है, जिसका नियंत्रण क्लोरोपाइरीफॉस की 5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में मिलाकर व्यवहार किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, इस प्रकार आप अच्छी देखभाल वाली फसल से 25 से 35 टन प्रति हेक्टेयर तक ताजी पत्ती प्राप्त कर सकते हैं। इन सबों के अलावा सबसे जरूरी बात यह है कि जब भी आप इसकी खेती करना शुरू करें तो सबसे पहले इसके मार्केटिंग की व्यवस्था जरूर कर लें। वैसे भारत में अनेक कंपनियां और संस्थाएं किसानों के साथ मिलकर एलोवेरा के पत्तों की खरीद कर रही है और इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र आपकी मदद कर सकता है।